नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आज आपको डाइफेन्थ्रोन 50% WP जो कि एक उड़ने वाले कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी उपयोग दर मात्रा 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है। किसान भाइयों, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, डाइफेन्थ्रोन जो कि आपके मार्केट में जिनका व्यापारिक नाम जो कि अदामा कंपनी का आगास के नाम से आता है और सजेंटा कंपनी का पेगासस के नाम से आता है, उसके बाद में आपको ये धानका कंपनी का पेजर के नाम से मिल जाएगा। किसान भाइयों, यही दवा आपको इंडोसिस केमिकल्स लिमिटेड की टिटलिस के नाम से मिल जाएगी। इसकी उपयोग दर मात्रा जो है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है और ये मुख्यतः सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए किया जाता है। वैसे तो इसका उपयोग आप उड़ने वाले कीट पतंगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसका प्रयोग उड़ने वाले कीट पतंगों के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग वैसे तो सभी फसलों में किया जा सकता है किसान भाइयों, लेकिन इसका प्रयोग मुख्यतः उड़ने वाली जो सफ़ेद मक्खियां होती हैं इनकी रोकथाम के लिए किया जाता है। यदि आपकी फसलों में आप सफ़ेद मक्खियों से बहुत परेशान हैं, जिसे वाइट फ्लाई बोलते हैं, आपकी फसलों में इनका प्रयोग उप इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है और इनकी वजह से जो इनके प्रकोप से है वो आपकी फसलों को जो बुरी तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, तो किसान भाइयों आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम डाइफेन्थ्रोन 50% WP है और ये मार्केट में आपको आगास के नाम से मिल जाएगी, उसके बाद पेगासस के नाम से मिल जाएगी और धानका कंपनी की पेजर के नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, जो ये व्यापारिक नाम है इन दवाइयों के, ये उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां हैं, जो कि कोई भी दवा है जो अच्छी गुणवत्ता वाली दवा का उपयोग अगर आपको करना है तो इन्हीं कंपनियों की दवा आप लेना। किसान भाइयों, यदि सफ़ेद मक्खी की बात के बाद में आता है कि यदि आपके फसल में आप देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर या पत्तियों की सतह के नीचे लाल मकड़ी जिसे माइट बोलते हैं किसान भाइयों, यदि नज़र आती है, बहुत छोटी छोटी नज़र आती है आपको, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से लाल मकड़ी का प्रकोप खत्म हो जाएगा, लाल मकड़ी नष्ट हो जाती है। उपयोग दर मात्रा जो है पानी में घोल की जो मात्रा होती है 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, यदि आप सफ़ेद मक्खी और लाल मकड़ी से परेशान हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी फसलों में अधिकतर गर्मियों में ऐसा होता है कि आपकी पत्तियों में जब इनका प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तो ये पत्तियों के जो रस होते हैं उनको चूस लेते हैं, यानी उस उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पत्तियों में सिकुड़न आ जाती है, जो कि अगर आपके उसमें वाइट फ्लाई या थ्रिप्स का प्रकोप है तो आपकी पत्तियां नाव सीधी नाव के आकार की हो जाती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें थ्रिप्स का भी प्रकोप है, तो उसमें भी ये दवा काफ़ी हद तक लाभकारी है। किसान भाइयों, यदि आपके फसल में लाल मकड़ी अर्थात माइट लग जाती है तो पत्तियों का जो आकार है वो उल्टी नाव की तरह हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमारी जो आपकी फसल लगी हुई है उसमें लाल मकड़ी का प्रकोप बहुत अधिक होने लगा है, जिसकी रोकथाम के लिए आप डाइफेन्थ्रोन 50% WP का उपयोग कर सकते हैं।
जिसकी उपयोग दर मात्रा जो होती है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर होती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि फसलों से संबंधित जो अगला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसका उपयोग करके अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।